रहमानुर्रहीम CS708 की पहली असाइनमेंट फॉर 2016 की सॉल्यूशन गाइडलाइन के साथ दीआईटी एजुकेशन की जानिब से हबीबुल्ला कमर। इस असाइनमेंट के अंदर आपको एक सिनेरियो दिया गया है जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, ऑनलाइन वर्चुअल लैब को इस्टेब्लिश करने का, जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रैक्टिकल को कंडक्ट कर सकें, और सिमुलेशन मॉडल होगा ये जिसके अंदर वो अपने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल्स, इसी तरह DLD के प्रैक्टिकल्स और जो भी प्रैक्टिकल्स वो चाहते हैं डिफरेंट ऑपरेटर्स और इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से उसको कंडक्ट कर सकें। ये एक मुकम्मल वर्चुअल लैब होगी, जिस तरह इंसान एक फ़िज़िकल लैब में जाता है और वहाँ पर जाके डिफरेंट किस्म के प्रैक्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट्स को कर सकता है, इसी तरह स्टूडेंट्स के लिए ये एक वर्चुअल लैब का कॉन्सेप्ट और सिनेरियो है। जो टास्क इसमें दी गई है वो ये है कि आप इसमें से फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को और एक्टर्स और स्टेक होल्डर्स को जो है ना वो ड्राइव करेंगे। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हमारे पास होती हैं, जैसा कि डेफिनेशन से ज़ाहिर है, कि जो कि आपके सिस्टम की फंक्शनैलिटी को डिस्क्राइब करती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में भी आपका वो जो सिनेरियो है उसमें जो कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, जो टेक्निकल डिटेल होगी, जो डाटा मैनिपुलेशन होगी या किसी भी किस्म की अगर कोई प्रोसेसिंग होगी, वो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आती है। अगर हम इसको देखें तो एक छोटा सा क्लू होता है इसको करने का कि आम तौर पर हम वर्ब्स को ढूंढते हैं, जैसे इसके अंदर है कि यूज़र कैन एक्सेस दीज ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट्स, तो इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऐसे लिखी जा सकती है कि वर्चुअल दिस सिस्टम विल प्रोवाइड एक्सेस टू कंडक्ट ऑनलाइन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, हैव ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, हाँ जी, द सिस्टम विल प्रोवाइड ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस विच हैव ऑपरेटर्स एंड प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्जेक्ट्स। इसी तरह ये हम कह सकते हैं दिस सिस्टम विल प्रोवाइड सिलेक्शन ऑफ कंप्यूटर साइंस प्रैक्टिकल कोर्सेज, यानी आप कंप्यूटर को यानी जो फंक्शन इसके अंदर परफॉर्म किया जा सकता है ना, वो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो चार हों, वो पांच हों, ये मैंने बोल्ड करके ना इसमें जाहिर की हुई हैं जो इसके अंदर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि जिनको हम इस्तेमाल करके पहचान सकते हैं कि हमारे पास जो है वो हमारा सिस्टम जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, उसको जज कर सकते हैं, रैदर दैन स्पेसिफिक बिहेवियर, ये सिस्टम करता क्या है, ये चीज़ फंक्शनल रिक्वायरमेंट में होगी, ये सिस्टम कर रहा है या नहीं कर रहा है या इसका क्या क्राइटेरिया होगा, ये हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स से देखेंगे। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में एक फाइल में अपलोड करूँगा, ठीक है, जिसके अंदर काफ़ी सारी डिटेल मौजूद होगी। ये देखें, ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, इसका लिंक जो है वो उस फाइल में मौजूद है, आप इस लिंक से इसको पढ़ सकते हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में वो तमाम बिजनेस रूल्स, ट्रांजैक्शन, करेक्शन, एडजस्टमेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, ऑथेंटिकेशन, सारी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इनको डिस्क्राइब किया जाता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में। जब हम नॉन फंक्शनल की बात करेंगे तो इसमें हम बताएंगे कि हमारा सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, वर्चुअल लैब जो है उसका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, थ्रूपुट क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है, ये चीज़ें हम उसके अंदर मेंशन करेंगे। स्केलेबिलिटी से मुराद कि ये वर्चुअल लैब जो है ये स्केलेबल होगी अप टू डिफरेंट कोर्सेज एंड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स एंड ऑपरेटर्स। इसकी कैपेसिटी मींस कि दिस वर्चुअल लैब कैन अलाउ लेट्स सपोज 256 यूजर्स एट ए टाइम टू सिमुलेट देयर प्रैक्टिकल अवेलेबिलिटी। दिस वर्चुअल लैब विल बी अवेलेबल for the users as a web-based system and will be available on 24/7. Reliability इसकी क्या है, recoverability क्या है, maintainability क्या है, इसमें से आप जितने भी issues आपको, जितने भी criteria आपको समझ में आते हैं आप इसके लिए जो है ना वो लिख सकते हैं और समझा सकते हैं इसको। ये भी देखें आप, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये कुछ उसने लिख के बताया, मसलन अवेलेबिलिटी, ए सिस्टम्स अवेलेबिलिटी आर अप टाइम, द अमाउंट ऑफ टाइम दैट इज़ ऑपरेटेड, एफिशिएंसी, बैंडविड्थ कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी, अगर इसको इंक्रीज़ किया जाएगा तो क्या इसमें फंक्शनैलिटी, इस तरह के जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर
specifically for our scenario, जो हमारा scenario है, जो कि ये वाला है, इसमें, let's suppose इसमें हम users कितने एक वक्त में होंगे, ये mention कर दें, ये extendable होगा, ठीक है, जिसमें add किए जा सकते हैं different किस्म के laboratory apparatus और इसी तरह courses को add किया जा सकता है, ये इसकी extensibility और इसकी maintainability के अंदर आप mention कर सकते हैं, तो आपने 5, 5, 6, 6, 7, 7 points जो हैं वो बनाकर लिखने होंगे नॉन फंक्शनल के हवाले से. उसके बाद आखिरी चीज़ जो है वो एक्टर्स और स्टेक होल्डर्स हैं. एक्टर एक्चुअली वो होते हैं जो आपके सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं. तो इस सिस्टम में हमारे पास अगर हम गौर से देखें तो स्टूडेंट ही एक एक्टर होगा जो कि आएगा और प्रैक्टिकल लैब को कंडक्ट करेगा, और एक एक्टर आपका एडमिन हो सकता है जो कि इसको जो है ना वो स्टूडेंट्स के अकाउंट्स को क्रिएट करेगा, ठीक है, इसी तरह नए कोर्सेज को वो इसमें ऐड करेगा, ठीक है, ये चीज़ें भी एक्टर्स के अंदर आ सकती हैं. स्टेक होल्डर्स में वो होता है जिनको इंटरेस्ट होती है, तो इसमें स्टूडेंट्स भी स्टेक होल्डर हैं, टीचर्स भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, इसके जो हैं वो वर्चुअल लैब के जो हमारे पास कह लें कि लैब एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो भी इसके स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं. तो ये आप 3 से 4 या 5 जितने भी they have some interest in the system, they include users and many others, for example company officers who invest in the system to improve their business process. कोई भी ऐसे लोग जो interested हैं system में. actor और stakeholder में फ़र्क है. actor वो होगा जो directly participate करेगा, मसलन admin इसमें participate करेगा about the creation of users, about the creation of new operators and objects, and about the creation and updation of the new courses in the virtual lab, ठीक है, approved deletion of students are keeping their records and so and so and, ये हमारे पास admin करेगा. but you know that के stakeholders में अगर हम बात करते हैं teachers की, तो teacher इसमें कोई role play नहीं करेगा, लेकिन वो इसका stakeholder होगा. कैसे stakeholder होगा कि वो अगर अपने students को चाहता है कि वो virtual lab के अंदर practical को करें, तो वो ज़ाहिर है उसके लिए वर्चुअल लैब फ़ायदेमंद होगी, तो वो स्टेक होल्डर हो सकता है, नॉट अ पर्टिकुलर एक्टर हो सकता है. ये हमारे पास स्टेक होल्डर होगा. उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, जो यहाँ पे मैं मेंशन नहीं कर सका. वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है कि एक पेपर आपको दिया गया है, और ये वो लिंक्स हैं जो मैंने मैंशन कर दी हैं. इन लिंक्स को पढ़ के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगी. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में मैं सिर्फ एक या 2 फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स लिख देता हूँ कि क्या है, ठीक है. स्टूडेंट कैन लॉग इन इनटू द सिस्टम, ठीक है जी. स्टूडेंट कैन क्रिएट देयर अकाउंट्स, ठीक है. स्टूडेंट कैन चेंज पासवर्ड, ठीक है. स्टूडेंट कैन टेक एनी ऑपरेटर्स एंड सो ऑन. इस तरह की आप चीज़ें जो हैं वो इसमें जो जो स्टूडेंट कर सकता है, और एडमिन क्या करेगा वो भी आप लिखेंगे. एडमिन कैन क्रिएट एंड मैनेज स्टूडेंट्स एंड सो ऑन. इस तरह की आप फंक्शन रिक्वायरमेंट्स नॉन फंक्शन में इसकी अवेलेबिलिटी फंक्शनैलिटी वो 5 से 7 हेडिंग्स दे के, और उसके बाद जो है वो आप उसकी लिख लेंगे. जैसे आप यहाँ पर लिखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, तो हम लिखेंगे कि दिस सिस्टम विल बी फ्लेक्सिबल फॉर अपडेशन एंड न्यू इंक्लूजन ऑफ कोर्सेज एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड सो, ठीक है. स्टेक होल्डर्स और एक्टर्स कौन से होंगे ये भी आप खुद से मेंशन कर सकते हैं. दूसरा जो क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें आपने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स किस तरह कंट्रीब्यूट करती हैं आपके पेपर में, ये चीज़ बतानी है. इसके स्ट्रेंथ और फ्लॉज क्या हैं, इनके बारे में डिस्कस करना है, और इसका क्रिटिकल रिव्यू लिखना है. क्रिटिकल रिव्यू कैसे लिखा जाता है, ये मैंने एक लिंक इसके अंदर लिखा है, जिसके अंदर बहुत ही प्यारे अंदाज के अंदर बताया गया है. ये देखें, राइटिंग अ क्रिटिकल रिव्यू, पर्पज़ क्या होता है इसका, क्रिटिकल का मकसद क्या है, एवेल्यूएशन और जजमेंट क्या है, और एनालिसिस क्या है. ये 3 से 4 चीज़ें आपने जो है ना वो मेंशन करनी है इस पेपर को पढ़ने के बाद. अगर आप इस पेपर को देखेंगे तो ये पेपर भी मैं साथ में अपलोड करूँगा,
इसमें से आप बड़ी आसानी से फ्लाज वगैरह ढूंढ सकते हैं।